तो आज हम सीखेंगे मेन्यू बार बनाना। मेन्यू बार कैसे बनाएंगे? मेन्यू बार बनाने के लिए तुम्हें करना क्या है? अगर आपको मेन्यू बार डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना है, पहले एक स्टैंडर्ड टैग है नैव, और नैव को बंद कर देना है ऐसे। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड टैग है नेव, आज नेव के बारे में बोलेंगे हम, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड टैग यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट ना यहाँ जाएंगे नेव, जैसे हमने नेव यहाँ पे ओपन किया और नेव को बंद कर दिया। नेव का यूज क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। नेविगेशन काम आता है हमारा इस तरीके से मेन्यू बार बनाने के लिए, ये जो होम अबाउट सर्विस लिखते हैं ना, ये बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टैग है नेव, आपको क्या करना है, पहले नेव ओपन कर देना है, नेव क्लोज कर देना है, यहाँ पे लिखना है NAV नेव, बैकग्राउंड कलर ब्लैक विथ 100% हाइट 50 पिक्सल, बस बैकग्राउंड कलर ब्लैक विथ 100% हाइट 50 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये हमारे पास नेविगेशन आ गया इस तरीके से। हाँ, और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन ना बॉडी लेके चलती है। अगर आपको बॉडी में मार्जिन नहीं चाहिए होता, ये जो डिफॉल्ट मार्जिन आ रहा है वो नहीं चाहिए होता, तो ना आपको एक टैग होता है वो हमेशा लगाना ही चाहिए ताकि हम डिफॉल्ट ना लेके चले, उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल टैग, स्टार। ये स्टार होता है यूनिवर्सल टैग। इसमें तीन चीजें जरूर लिखनी होती है, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और एक और चीज बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। अब इनका रोल क्या है? पहला देखते हैं स्टार। स्टार को बोलते हैं ग्लोबल टैग, मतलब ये सबके लिए काम करेगा, बॉडी के लिए भी, नेव के लिए, सबके लिए भी, ठीक है। जो मार्जिन जीरो है, मार्जिन जीरो का मतलब हो गया कि बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेके चलेगा, ठीक है। पैडिंग जीरो का मतलब बिल्कुल भी इनर स्पेसिंग नहीं लेके चलेगा। और बॉक्स साइजिंग का, बॉर्डर हाइफन बॉक्स का मतलब है जो भी हम बॉक्स बनाएंगे उसकी अगर बॉर्डर देते तो इनसाइड लेके चलेगा, आउटसाइड नहीं लेके चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास ये स्पेसिंग जो है वो रिमूव हो गई यहाँ पे, तो स्पेसिंग ही रिमूव आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मेन्यू बार डिजाइन करते हैं। तो मेन्यू बार बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इसके अंदर नेव के अंदर यूएल। यूएल बताया था फुल फॉर्म क्या थी यूएल की, अनऑर्डर लिस्ट। यूएल को बंद कर देना है, यूएल को ओपन करना है और यूएल को क्लोज कर देना है। सेकंड आपने क्या करना है, इसके अंदर एलआई बनाना है, एलआई को बंद कर देना है। लिस्ट आइटम, अलग अलग लिस्ट बनाने के लिए, इसमें लिंक लगाने के लिए आप AHREF टैग का यूज कर लेना, ए को बंद कर लेना, और यहाँ पे लिख देना हैशटैग, और इसमें लिख दिया मैंने होम। तो हमारे पास एक एल आई आ गया। चेक करते कैसे दिखाई दे रहा है, अभी ये रिफ्रेश किया तो ये देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, तो मैंने छह लाई यूज कर ली जो कि एक के नीचे का आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये एक लाइन में, ठीक है। तो एक लाइन में लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने यूं लिखना पड़ेगा कि जो नेविगेशन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यूएल है, स्पेस दे के यूएल लिख देना है। उसके अंदर क्या है, एल आई है, एल आई में एक के नीचे एक होती है, यानी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। तो आप क्या करोगे, इसे डिस्प्ले क्या लिख दोगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये क्या काम करती है, एक लाइन में लाने का काम करती है, जैसे फ्लोट करती है ना वैसे ही। अगर कोई डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट है तो उसे इनलाइन में लाने के लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, तो मेन्यू बार में हम ये यूज करते हैं। तो इससे हुआ होगा क्या, ये देखो एक लाइन में आ गई, एक लाइन में आ गया, पर कलर ब्लू आ रहा है जो कि दिख नहीं रहा, मुझे कलर व्हाइट चाहिए। कलर ब्लू ना हमेशा जब भी हम लिंक लगाएंगे वो ब्लू कलर का आता है, ठीक है। तो हम उसका कलर चेंज करने के लिए यूं लिखेंगे, नेव है, उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर एल आई है, उसके अंदर ए है, कलर व्हाइट।
ये हमारा इस तरीके से व्हाइट कलर आ गया, इसका अंडरलाइन क्या एंकर टैग, ये एंकर टैग ये अच्छा रही है ना। और अंडरलाइन हटाने के लिए क्या होता है, टेस्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आती है, बाय डिफॉल्ट लिंक के ऊपर अंडरलाइन आती है, ठीक है। तो आप डेकोरेशन नन करके अंडरलाइन को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे होम ये लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से। मैं अब इसमें चेंज कर लेता हूँ, होम की जगह अबाउट कर देते हैं, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, गैलरी, करियर और कॉन्टेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या चीज चाहिए, हमें स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। तो ये कौन है, एल आई है, ये सारी अलग अलग एल आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे वापस और इसमें लिखेंगे, ये जो हमने एल आई बनाई थी इसमें पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये देखो बिल्कुल सही पैड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वो जो क्या नाम है, ये जो बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो आप एक काम कर लेना, जो आपने इसकी हाइट दी थी ना, हाइट हटा लेना, तो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से हाइट ले लेगा। तो देखो मेन्यू बार हमारा इस तरीके से बन गया, मेन्यू बार हमारा इस तरीके से बन गया है, समझ में आया आपको ये। अच्छा फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो फॉन्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेरिफ फॉन्ट और एक होता है सैन सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट वो होता है जिसके यहाँ पे ना देखो कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। और सैन सेरिफ फॉन्ट होता है जो चारों तरफ से एक स्टेट होता है। तो आपको अगर सैन सेरिफ फॉन्ट यूज करना है तो आप यहाँ पे ना जाना और यहीं पे लिख देना स्टार में फॉन्ट हाइफन फैमिली सेंस हाइफन सेरिफ, इससे फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा, मतलब फॉन्ट यही रहेगा, फॉन्ट चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये राउंडेड हो जाएगा फॉन्ट। तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये हेडर इस तरीके से बन गया, दो तरीके के फॉन्ट होते हैं, सेरिफ और एक सेंस सेरिफ। इसमें क्या होगा ना, कॉर्नर राउंड आ रहे सारे, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो जो स्टैंड से निकले हुए होते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे होम अबाउट सर्विस इस तरीके से एक हेडर पूरा तैयार हो गया, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए, हमें लोगो भी चाहिए यहाँ पे, यहाँ एक लोगो लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी वेबसाइट का ही लोगो निकाल लेते हैं, ये लोगो लगाते हैं। मेन्यू बार का समझ में आया आपको, लोगो क्या नाम है हमारे इसका, डिवाइस लोगो नाम रख लिया इसका। इमेज कैसे लगाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसी में लिखेंगे आई एम जी एस आर सी इज इक्वल टू, और इसका नाम क्या है, लोगो डॉट पी एन जी। तो हमारी इमेज देखो कहाँ पे आ रही है, ये आ गई लोगो, हमारा लोगो आ गया, पर लोगो काफी बड़ा आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ डबल कोट्स के बाद, ये इसका एट्रीब्यूट भी है, ऐसे ही लिख सकते हो, विथ कितना चाहिए, 120 पिक्सल चाहिए। तो आपने विद इसकी 120 पिक्सल या 150 पिक्सल देती है, यहाँ पे 180 दे देती है। तो हमारे पास ये लोगो भी इस तरीके से आ गया। अगर लोगो सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे, इससे पहले सेंटर लिख देंगे और इसके बाद सेंटर बंद कर देंगे। तो लोगो हमारा क्या हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। आगे समझ में, तो ये भी सेंटर में रख लिया मैंने, ठीक है। हाँ मैंने सेंटर को वहीं से पिक करके यहाँ बंद कर दिया, तो ये क्या होगा, दोनों चीजें मेरी सेंटर में आ गई इस तरीके से। और अगर अलाइन कैसे, लोगों के बाद चाहिए, तो उस केस में ना हम क्या करते हैं, जब एक लाइन में कोई चीज लानी होती है तो हम या तो फ्लोट का यूज करते हैं या फ्लैक्स का यूज करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, सेंटर हटा दूंगा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है कि फ्लोट ना यूज करो, क्योंकि तो आजकल फ्लोट कम यूज करते हैं। अब नेविगेशन जो भी पेरेंट है, पेरेंट कौन है, नेविगेशन है, उसमें लिख दो डिस्प्ले फ्लैक्स, तो इससे क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा,
ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। अगर हम किसी के भी पेरेंट में ना डिस्प्ले फ्लैग क्लिक देते हैं तो उसके जितने भी चाइल्ड है वो एक लाइन में आते हैं। आगे भी लेते रहेंगे तो वो भी, हाँ आगे भी लेते रहोगे तो वो भी इसी के अंदर आते रहेंगे। चलो मैं एक सर्च बार के लिए एक बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये देखो यूएल खत्म हो गया यहाँ पे नेविगेशन। यूएल से पहले मैंने आईएमडी ली थी और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक सर्च बार। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सर्च कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारा एक सर्च बार भी आ रहा है, ऐसे अजीब सा आ रहा है, कोई नहीं सेट कर लेता अपन। तो देखो ये ऐसा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज लेफ्ट साइड पे आए, ये सेंटर में आए और ये राइट साइड पे आए, ऐसे चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज कर रहे तो एक तरीका है हमारे पास, हम यू लिख सकते हैं जस्टिफाई हाइफन कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा, सारा कंटेंट सेंटर में आएगा। देखो सारा कंटेंट लेफ्ट और राइट से स्पेस देके आ रहा है। एक तरीका ये है, या तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, या मैं यूज कर सकता हूँ कमेंट बनाता हूँ कंट्रोल के, या मैं अब देखो वापस ऐसे ही हो गया होगा, ठीक है। या मैं यूज कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस हाइफन बिटवीन। इसका मतलब क्या होगा, सबके बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगा। तो वो इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, वो लेफ्ट में आ रहा है, वो राइट में आ रहा है। आया समझ में, क्या चीज। ये देखो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया था, वो तो क्या काम करता है, एक लाइन में लाने का काम करता है। और आप चाहते हैं उसके अंदर और भी प्रॉपर्टी सेट करनी, जैसे आपको ना एक बीच बीच में सब में स्पेस चाहिए, तो आप यूज कर सकते जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये क्या कह रहा है, जितना भी कंटेंट है उनके बीच में स्पेस आ जाए। तो तीन कंटेंट है देखो मेरे पास, तीन कंटेंट क्यों है, एक तो क्या था इमेज थी, एक यूएल था, ये पेरेंट है ना, वो तो बाकी चाइल्ड है, और एक ये नेब में, नेब में तीन चीज है ना, एक येरी एक येरी एक येरी, और ये तो जो बाकी एलआई है वो तो यूएल के अंदर है ना। तो मेन तो पेरेंट कौन है, हाँ जैसे ग्रैंड पेरेंट कौन हो गया, ये हो गया पेरेंट, ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया, और चाइल्ड कौन है, ये चाइल्ड है सारे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये लिख दिया। तो या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं जो तुम्हारी ऊपर है, या एक कमांड और यूज कर सकते हैं, तीनों में से एक यूज करनी पड़ेगी, पर एक ही काम करेगी तीनों में से। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, इससे भी देखो क्या होगा, इधर से भी स्पेस आएगा, इधर से भी स्पेस, इधर से भी स्पेस, इधर से भी स्पेस, इधर से भी स्पेस, इधर से भी स्पेस। और वो स्पेस कितना है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा, वो बाय डिफॉल्ट उसके हिसाब से सेट हो जाएगा जितना कंटेंट है, स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। तो देखो ये आ गया, ऐसे समझ में आई है, अच्छा है ना ये, मतलब एक ही बारी में लिखा हमने डिस्प्ले फ्लैक्स, एक लाइन में आ गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड क्या करेंगे, ये पता है ये जो तुमने फिग्मा किया था, फिग्मा में भी था ये ऑटो लेआउट का जो ऑप्शन था ना, वो यही था, ठीक है। अब सेकंड आए, ये जो इसकी हाइट स्ट्रेच आ रही है ना, मैं चाहता हूँ बिल्कुल सही आए, खिंची भी आ रही है, और ये भी ना बीच में, बिल्कुल बीच में आया, और ये भी बीच में आया। तो आप ना, ये तो होता है हॉरिजेंटल के लिए, मतलब एक्स एक्सिस, अगर आपको वाई एक्सिस के साथ काम करना है तो आप ये लिख सकते हो अलाइन हाइफन आइटम, ठीक है, सेंटर। ये होता है हमारा किसके लिए, ये वाई एक्सिस के लिए होता है। तो इससे कुछ हुआ, हाँ आइटम सेंटर, तो इससे क्या हो गया, सेंटर में आ गया बिल्कुल, मतलब स्ट्रेच नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ तो क्या लिखना पड़ेगा, अलाइन आइटम सेंटर। अगर इसमें मैं अलाइन आइटम सेंटर ना लिखूं, मैं लिखूं फ्लैक्स एंड, तो क्या हो रहा है, ये देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं अलाइन स्टार्ट, तो क्या हो रहा है, तो ऊपर। तो हमें क्या चीज चाहिए, सेंटर चाहिए, ठीक है, सेंटर सेंटर, ठीक है। अब तैयार है, मैं इसको कमेंट बनाता हूँ, इसके लिए भी और भी है इसमें। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लैक्स हाइफन एंड, तो क्या होगा, राइट साइड पे चला जाएगा सारा कंटेंट, ठीक है। अगर मैं लिखूँ जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, तो ये सारा कंटेंट स्टार्ट चला जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया। तो अपने को कौन सा सही लग रहा था? अराउंड सही लग रहा था, तो हमने क्या करा, हाँ बिटवीन भी ठीक था, पर मुझे लाइफ टू राइट से थोड़ा स्पेस भी चाहिए था, तो मैं अराउंड यूज कर लेता हूँ, ये वाला ठीक है। आ गया समझ में? चलो अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें गया और इस सर्च में सर्च की क्लास लगा दी मैंने, क्लास आई ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने फुल स्टॉप इनपुट, स्टाइलिंग के लिए क्लास हाँ 10 एडिंग 10, तो थोड़ा देर का स्पेसिंग आ गई ठीक है। अगर सिर्फ टॉप और बॉटम से कम चाहिए, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ मैंने 5 पिक्सल लिख दिया और स्पेस देके 10 पिक्सल कर दिया, तो ये हमारा अब इस तरीके से आ रहा है ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से इनपुट बन गया, यहाँ पे मेन्यू बार आ गया और यहाँ पे आ गया। अगर मैं कोई बटन लगाऊंगा, देखो इनपुट के बाद लगाए थे बटन, बटन बटन, और मैं यहाँ लिख दूं सेंड, क्या हो रहा है, ये ऐसा आ रहा है स्पेस अराउंड, क्योंकि स्पेस अराउंड लिखा था मैंने, तो इसके बीच में भी वो आ गया। अब कोई सॉल्यूशन है कि ये बिल्कुल इसके लग के आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, नहीं उसके लिए मैं पता क्या करूंगा, सबसे बढ़िया तरीका, इस इन दोनों को ना एक डिब में डाल दूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब पेरेंट ये खत्म हो जाएगा इनपुट, अब कौन हो जाएगा पेरेंट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा ठीक है। अब चेक करते हैं, तो ये देखो आगे समझ में, ये ऐसा आ रहा है हमारे पास। इसकी हाइट वाइट सेट कर लेते हैं, तो जितनी पैडिंग इसमें दे रखी थी उतनी पैडिंग में इसमें दे देता हूँ। तो अगर एक साथ दोनों पे अप्लाई करना होता तो कॉमा लगा के ऐसे लिख सकते हो आप, बटन नहीं हुई स्पेलिंग गलत लिख दी ठीक है, हमारा ये इस तरीके से आगे आगे समझ में। तो ये बटन हमारा टेक्स्ट भी बढ़ जाता ना, हाँ ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ये बटन आ गया, मैं इसका कलर वलर चेंज कर लेता हूँ। आप क्या कर सकते हो, ये जो बटन लिखा है ना उसकी क्लास दे देना BTN, कुछ भी नाम देके, और यहाँ पे जाना और इसमें लिख देना फुल स्टॉप BTN, बैकग्राउंड कलर कौन सा, ब्लू, और फॉन्ट कलर के लिए होता है कलर वाइट। तो ये हमारा बटन आ गया, मैं वो वाला बटन देता हूँ, कलर दे दूँ टोमेटो कलर, सही लगेगा टोमेटो आ गया ठीक है। थोड़ा सा हाइट कम करनी है इसकी, इसको मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा, इसको हटाया था यहाँ से बटन को, और यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग टॉप और बॉटम से बढ़ानी है इसकी, किसकी, इसकी है ना, तो कितनी बढ़ाऊँ इसकी, कितनी है 5 है, 8 कर देते हैं, 7 करते हैं, हाँ सही ठीक है। तो हमारा देखो ये पूरा ऐसे मेन्यू बन गया। इसमें ऊपर मुझे एक और सेक्शन चाहिए, वो जो ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, उसे बोलते हैं टॉप बार, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर बना लेता हूँ। तो नेव के लिए तो एक स्टैंडर्ड ट्रैक था नेव ठीक है, डेव, ये रिकॉर्डिंग क्यों बंद हो गई, डेव बार वन ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने इसका नाम टॉप बार ठीक है। अब अपन यहाँ आते सी एस एस में और लिखते हैं फुल स्टॉप टॉप बार विथ 100% बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और मिनिमम हाइट का मतलब होता है कम से कम इतनी हाइट रहे 45 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कौन सा रखूं, और दे तो दिया बैकग्राउंड। तो अब कैसा आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ऑरेंज कलर ऊपर आ रहा है ठीक है, ऑरेंज ठीक लग रहा है ना, ब्राउन कलर का सर ठीक है। तो हमारा ये ऐसा कुछ आ गया, साइज कम कर लेते इसका, 45 की जगह 40 पिक्सल कर लेते,
अब इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ मैं, दिवाली ऑफर। दिवाली ऑफर कहाँ लिखो, यहाँ पे दिवाली एच टू में लिखता हूँ, एच थ्री में लिखता हूँ, एच थ्री वन, और यहाँ लिख देता हूँ दिवाली ऑफर। ठीक है, दिवाली ऑफर ऐसा आ रहा है, पर ये मुझे कहीं चाहिए कहाँ, सेंटर में। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सेंटर लगा दो। नहीं, मैं सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है कि मैं यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स और बंद कर दिया और लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो क्या हुआ, इससे सेंटर में आ गया। वर्टिकल भी चाहिए तो अलाइन आइफन आइटम्स सेंटर, तो वर्टिकल भी सेंटर में आ गया। ठीक है, कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, कलर वाइट आ गया समझ में। तो हमने इस तरीके से पूरा हेडर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेडर बन गया। और अगर मुझे यहाँ पे भी कुछ चाहिए तो वो भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर मुझे यहाँ सेंटर हटाना पड़ेगा। अरे वरना वो रखना बता दो कौन सा नहीं आ रहा, जैसे वहाँ से कंटेंट को तो कॉपी करके हेड सेक्शन में डाल लेते हैं और बाकी जो नीचे वाले में डाल लेते हैं, डिव में बटन में आइकन के लिए, तो वहाँ नहीं रहता गूगल आइकन लेने हमें सारे। हाँ, यहाँ से ले सकते हैं, मैं समझ गया, रुक जा। ये स्टार है, ठीक है, चीज़ नहीं आ रही। ये इसको कॉपी किया मैंने, अरे यार मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ पे हेड सेक्शन में इसको लगा दिया। फिर क्या करना है, यहाँ जाना है, इसको पिक करना है, कॉपी किया और इसको मुझे लगाना है जैसे दिवाली ऑफर से पहले। तो मैंने यहाँ पे जितनी बार भी लगाना है उतनी बार ऐसे पेस्ट कर दिया, आगे भी लगाया था पीछे भी लगाया था। अब देखते हैं जरा, हाथ हो गए, मटेरियल आइकन पे ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही सर। कौन सी, ये प्रॉपर्टी आ ही नहीं रहा है। हाँ, ये प्रॉपर्टी नहीं, क्लिक करेगा तब आएगा। ये मैंने क्लिक करके देखा ना, तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं आ रही, बाकी सब कुछ आ रहा है, आइकन वगैरह तो आ रही है। बाकी समझ में आ गया तुमको? सर मुझे ये चाहिए है, हाँ, मतलब वो जो ये हमने इधर लगाया, ये इधर लगाया, ये जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ लगाते हैं आइकन, जहाँ चाहिए वहाँ लगाते हैं, लिंक वहाँ लगाते हैं हेड सेक्शन। ठीक है, आगे समझ में। तो ये लग बनाना है तुम्हें, बस इतना आज, हाँ गूगल आइकन लगा देना, तो हेडर डिजाइन करना है। तो कल मैं आपको इसमें ना वो भी दिखाऊंगा, होवर कैसे लगाते हैं, प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं। क्या हुआ, हाँ क्लिक कर पहले, हाँ कहीं पे भी क्लिक कर दे, आ तो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है, और यहाँ पे हम सब होने लगते हैं किसी को मूव भी तो करवाते हैं, ऑफर वगैरह लाइन चल रही है, हाँ मूव करा सकते हैं, हाँ हाँ मार्केट है। ठीक है, तो हेडर बनाना है, कल फिर बैनर और आगे करेंगे, अब एक एक सेक्शन करके करेंगे। हाँ, मतलब एक एक सेक्शन करके कोई नहीं कर सकती। ठीक, ज़्यादा बड़ी क्लास में हुई ना।